गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्या लिखेंगे? Q R S T U। आज हम क्या लिखेंगे? Q R S T U। देखो, हम ये क्या है? ये है इंग्लिश। क्या है? इंग्लिश। देखो क्यों कैसे लिखते हैं। पहले एक ठो ऐसे करके गोला बना देना। क्या करना बच्चों? पहले एक ठो ऐसे राउंड सर्किल कर देना, फिर नीचे से ऐसे थोड़ा स्टैंडिंग लाइन दे देना। क्या कर देना? ऐसे स्टैंडिंग लाइन दे देना। ऐसे थोड़ा घुमा कर देने से भी होगा और ऐसे स्टैंडिंग लाइन देने से भी होगा। ये क्या हो गया बच्चों? क्यू। क्यू फॉर क्वीन। क्यू फॉर क्वीन। फिर क्या है बच्चों? फिर देखो आर लिखेंगे। आर कैसे लिखेंगे? ये है स्टैंडिंग लाइन। पहले क्या देना है बच्चों? पहले एक स्टैंडिंग लाइन देना है, फिर राइट साइड में एक ठो हाफ सर्किल देना है। क्या है? राइट साइड में हाफ सर्किल देंगे, फिर थोड़ा राइट की तरफ स्लांटिंग लाइन बना देंगे। क्या करेंगे? राइट की तरफ से स्लांटिंग लाइन बना देंगे। ये हो गया आर। फिर क्या लिखेंगे? एस। देखो पहले लेफ्ट टर्न में हाफ सर्किल करना। क्या करना? लेफ्ट टर्न में ऐसे करके हाफ सर्किल देना, फिर राइट की तरफ से हाफ सर्किल दे देना। क्या है बच्चों? पहले लेफ्ट के तरफ से हाफ सर्किल, फिर राइट की तरफ से हाफ सर्किल। तो ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया एस। फिर क्या है? टी। फिर क्या लिखना है बच्चों? टी लिखना है। देखो पहले एक ठो स्लीपिंग लाइन देना है। क्या? पहले एक स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन दे देंगे। ये क्या हो गया बच्चों? ये है टी। क्या है बच्चों? टी। फिर यू लिखेंगे। पूरा ऐसे ऊपर, ऐसे ऊपर से ऐसे नीचे तक ऐसे घुमाकर थोड़ा हाफ सर्किल, नीचे की तरफ से ऐसे हाफ सर्किल करना। ऐसे साइड में हाफ सर्किल करते हैं, साइड में नहीं, ये यहाँ से बिंदी देकर ऐसे नीचे की तरफ एक ठो हाफ सर्किल बना देना। ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया यू। देखो क्यू फॉर क्वीन, क्यू यू ई एन क्वीन। आर फॉर रेड, आर ए टी रेड। एस फॉर सॉन, एस यू एन सॉन। क्या? एस यू एन सॉन। टी फॉर ट्री, टी आर ई टी। यू फॉर अम्ब्रेला, यू एम बी आर ई एल एल ए अम्ब्रेला। देखो ये बुक में हम इसको देखते हैं। देखो ये क्या है बच्चों? ये है क्यू। क्या है बच्चों? ये है क्यू। ये है कैपिटल लेटर वाला क्यू और ये स्मॉल लेटर वाला क्यू। देखो क्यू फॉर क्या होता है? क्यू यू ई एन क्वीन। क्वीन मतलब रानी। क्या है बच्चों? क्वीन मतलब रानी। ये है क्वीन। क्वीन मतलब रानी। ये क्या है बच्चों? क्वाइल। क्या है? क्यू यू आई एल एल क्विल। क्विल मतलब क्या है? ये बाढ़ का पर। क्या है? बाढ़ का पर जो होता है ना, उसका सहारे वो उड़ सकती है। ये है पर। ये है क्वाइल। क्या है? क्यू यू ए आई एल, क्यू यू ए आई एल क्वाइल। क्वाइल मतलब सागुना। क्या? क्वाइल मतलब सागुना। ये है क्वी, क्यू यू ई यू ई क्वी। क्वी मतलब जो लाइन में खड़े हो जाते हैं। लाइन में देखो कैसे लाइन करके खड़े हुए हैं। ये है क्वी। क्वी मतलब धाड़ी बांधीबा। क्वी मतलब लाइन में खड़ा हो जाना। हो गया? क्यू फॉर क्वीन, क्यू फॉर क्वील, क्यू फॉर क्वाइल, क्यू फॉर क्वी। फिर देखो आर पढ़ेंगे। ये क्या है बच्चों? ये है आर। ये है कैपिटल लेटर का आर, ये है स्मॉल लेटर का आर। ये है कैपिटल लेटर का आर, ये है स्मॉल लेटर का आर। देखो आर फॉर रेट, रेट मतलब चूहा। आर ए टी रेट, रेट मतलब चूहा, मतलब मूसा। आर फॉर रेड, रेड मतलब रेड कलर, जो उसका कलर रेड दिखता है ना। देखो ये चेयर का कलर भी रेड है। देखो यहाँ पर जो दिया है ये भी रेड कलर का है। ओके ये आर फॉर रोज, आर ओ ए सी रोज। रोज मतलब गुलाब का जो फूल होता है उसको रोज बोलते हैं। उसका कलर भी रेड भी होता है, वाइट भी होता है, पिंक भी होता है, बहुत कलर का रोज आता है। ये देखो आर फॉर रैबिट,
आर ए बी बी आई टी रैबिट, रैबिट मतलब खरगोश, ठेकुआ रैबिट मतलब खरगोश, ओके। फिर देखो एस के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या है बच्चों, ये है एस, एस फॉर सन, एस फॉर सन, सन मतलब सूर्य, कहाँ पर दिखता है सूर्य, स्काई पर, कहाँ पर दिखता है बच्चों, स्काई पर, ये है सन, एस यू एन सन। ये है स्टार, एस टी ए आर स्टार, स्टार भी कहाँ पर दिखता है, स्काई में दिखता है, ये रात को दिखता है, ये दिन में दिखता है, ये रात को दिखता है स्टार, एस टी ए आर स्टार, स्टार मतलब तारे। ये है सीप, सीप मतलब जहाज, क्या है बच्चों, सीप मतलब जहाज, एस एच आई पी सीप, सीप मतलब जहाज, कहाँ पर चलता है बच्चों, ये पानी में चलता है, कहाँ पर चलता है, पानी में चलता है। ये देखो एस एच ई ई पी सीप, सीप मतलब मेंढा, सीप मतलब मेंढा, इसके बॉडी से जो निकलता है, क्या निकलता है, उसके बॉडी से हमें ऊल मिलता है, और हम वो ऊल में क्या करते हैं, स्वेटर टोपी पहनकर बनाकर पहनते हैं, क्या मिलता है उससे, सीप से हमें ऊल मिलता है, और वो ऊल को हम विंटर सीजन में जब हमको ठंडा लगता है तो हम उसको, उसके जो ऊल से स्वेटर टोपी बनाते हैं उसको हम पहनते हैं। देखो ये है टी, टी फॉर टैप, टैप मतलब कल, जो उसमें से पानी आता है कि नहीं, टी फॉर टैप, ये है कैपिटल लेटर का ए टी, ये है स्मॉल लेटर का टी, कैपिटल लेटर में टी देखो थोड़ा सीधा है और स्मॉल लेटर का टी थोड़ा नीचे से ऐसे करके घुमा देते हैं, ये है स्मॉल लेटर का टी। देखो टी फॉर क्या होता है, टी फॉर टैप, टी ए पी टैप, टैप मतलब पाइप, जो पानी आता है पाइप। टी फॉर टॉप, टॉप मतलब आप बच्चे लोगों को ऐसे टॉप में नहाते हैं कि नहीं, ये है टॉप, इसके अंदर पानी रखकर बच्चे लोग नहाते हैं। टी फॉर ट्री, टी आर ई ई ट्री, ट्री मतलब पेड़ पौधा, जो पेड़ होता है ना उसको ट्री बोलते हैं। टी फॉर टाइगर, टी आई जी ई आर टाइगर, टाइगर मतलब बाघ, बाघ जो होता है, ये हमारा क्या है, ये हमारा नेशनल एनिमल है, क्या है, ये हमारा टाइगर इजाबा नेशनल एनिमल, ये है हमारा नेशनल एनिमल। फिर देखो यू के बारे में पढ़ेंगे, क्या है बच्चों यू के बारे में, यू फॉर, ये है कैपिटल लेटर का यू, ये है स्मॉल लेटर का यू। यू फॉर यूनिफॉर्म, जो आपको स्कूल, क्या स्कूल जो रोज पहनकर आते हो, पहनकर आते हो कि नहीं, सब बच्चे एक ठो एक एक कलर का पैंट शर्ट पहनते हो, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म, यू एन आई एफ ओ आर एम, यूनिफॉर्म। ये है ऑन स्टील, मतलब जो बासन होता है घर में, जो मम्मी लोग खाना पकाते हैं ना, उसको ऑन स्टील बोलते हैं, यू टी ई एन एस आई एल, ऑन स्टील। ये है अम्ब्रेला, यू एम बी आर ई एल एल ए, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मतलब छतरी, जो बारिश होने से हमको, बारिश से ये क्या करता है, ये बचाता है, ये बारिश होता है तो हमें ये उड़कर जाने से हमारा बॉडी नहीं भीगता है, ये है अम्ब्रेला। यू फॉर एम्पायर, एम्पायर मतलब यू एम पी आई आर ई एम्पायर, एम्पायर मतलब जो मतलब आप जो दौड़ लगाते हो उसमें से एक होते हैं कि नहीं, जो पहचानते हैं कि कौन फास्ट हुआ है, कौन सेकंड हुआ है, कौन थर्ड हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, उसको एम्पायर बोलते हैं, ओके।